विरोध प्रदर्शन कांग्रेसी करने वाले हैं। कांग्रेस का आज पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन है। सुबह 11 बजे शुरू होगा कांग्रेस सांसदों का प्रदर्शन। संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च से कार्रवाई के खिलाफ राष्ट्रपति को सौंपेंगे मेमोरेंडम। और इसी के साथ आज देश भर में कांग्रेस कर रही प्रदर्शन ईडी, और इसी के साथ महंगाई के खिलाफ हो रहा कांग्रेस का प्रदर्शन। कई जगह कांग्रेस जो है वो तैयारी में लगी हुई है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। आज देश भर में कांग्रेस जो है प्रदर्शन कर रही है, और पूरे देश भर में ईडी की कार्रवाई और इसी को लेकर साथ साथ महंगाई जो बढ़ती जा रही है उसको लेकर भी प्रदर्शन यहाँ पर कांग्रेस का हो रहा है। सुबह 11 बजे शुरू होगा कांग्रेस सांसदों का प्रदर्शन। संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक होगा ये पैदल मार्च। यहाँ पर महंगाई और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ हो रहा प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो 11 बजे से कांग्रेस पूरे देश भर में अलग अलग जो राज्य है वहां पर प्रदर्शन करेगी। अलग अलग राज्य अलग अलग जिलों में प्रदर्शन कांग्रेस का आज सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगा। तो बड़ी खबर, कांग्रेस का पूरे देश भर में प्रदर्शन। कांग्रेसी प्रदर्शन करेंगे, राष्ट्रपति को सौंपेंगे मेमोरेंडम यहाँ पर। इसी के साथ आज तैयारी कांग्रेस की है महंगाई को लेकर प्रदर्शन करने की सड़कों पर। इसी के साथ ईडी की कार्रवाई के खिलाफ यहाँ पर कांग्रेसी प्रदर्शन करेंगे। और हमारे दो संवाददाता जुड़ चुके हैं लखनऊ से, हमारे संवाददाता अजहर जुड़े हैं, स्वाति हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई है। सबसे पहले स्वाति, मैं आपके पास ही आ रही हूँ। 11 बजे का वक्त तो है, लखनऊ में तो लोगों को हाउस अरेस्ट किया जाने लग गया है, दिल्ली में कैसे यहाँ पर अलर्ट पुलिस प्रशासन है, वहां पर किस तरीके से आज बड़े चेहरे इस प्रदर्शन में शामिल होते नजर आएंगे आज? जी बिल्कुल, वही देखने वाली बात होगी। चूंकि पूरी दिल्ली में यानी लगभग हर जगह पर धारा 144 लागू कर दिया गया है, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, और इसके साथ ही जो कार्यकर्ता है वो पहले से ही कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचे हुए हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दो हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। एक हिस्सा जो कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद रह के विरोध प्रदर्शन करेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता, दूसरे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता होंगे वो राष्ट्रपति भवन तक यानी संसद भवन से शुरू होकर जो पैदल मार्च शुरू करेंगे वो राष्ट्रपति भवन तक जाने की तैयारी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास को भी घेरने की तैयारी है, लेकिन पुलिस ने भी सुरक्षा जो है वो पूरी दिल्ली में बढ़ा दिया है। धारा 144 लागू कर दी गई है, जिससे किसी भी तरह की कोई भी प्रदर्शन जो है वो ना प्रधानमंत्री आवास के बाहर हो पाए और ना ही राष्ट्रपति भवन तक जो जाने की तैयारी है कांग्रेस पार्टी की वो ना जा पाए। लेकिन इन सब के बीच जो 9:30 बजे का वक्त राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का है वो अहम है, चूंकि महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर लगातार कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरने में जुटी हुई है। और ऐसे में जब राहुल गांधी 9:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उस दौरान सरकार पर जरूर हमला बोलेंगे, चूंकि कल भी राहुल गांधी ने कहा कि हम डरते नहीं है भले ही कितना भी डरा दिया जाए। लेकिन आज 11 बजे को देखते हुए जगह जगह पर दिल्ली में पुलिस की मुस्तैदी कर दी गई है, जिससे कहीं भी कोई प्रदर्शन जो है वो सार्वजनिक तौर पर ना किया जाए, और इसी वजह से सुरक्षा व्यवस्था को पहले से ही दुरुस्त किया गया है। ठीक है, और लखनऊ चलेंगे, अजहर हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अजहर, लखनऊ में तो कई बड़े नेता जो हैं वो हाउस अरेस्ट किए जा चुके हैं, देर रात लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, तो अब कोई किसी की तरफ से कोई बयान कोई प्रतिक्रिया सामने आ रही इस प्रदर्शन को लेकर कांग्रेसियों की तरफ से? ना डरे, कल राहुल जी ने भी कहा कि मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूं, और ये एकदम सच बात है कि हम बिना डरे इस देश के लिए लड़ेंगे। और आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में कार्यकर्ता अभी भी एआईसीसी में मौजूद हैं, और हजारों कार्यकर्ता दिल्ली की सड़कों पर ये एआईसीसी के आसपास जहां पुलिस आने नहीं दे रही बैरिकेडिंग कर रही है सुबह से। मुझे लगता है कि हजारों से ज्यादा कार्यकर्ताओं को बसों में भर भर के दिल्ली पुलिस कहां लेकर गई है अभी पता भी नहीं है। मध्य प्रदेश के हमारे साथियों को, राजस्थान के साथियों को जो ट्रेन से आए थे जत्थे के जत्थे, उनको वहीं से वो बसों में भरकर ले गए हैं। पर ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं, ये लड़ाई रुकेगी नहीं, जारी है, जारी रहेगी। भीड़ जुटना शुरू हो गई, अजहर हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। अजहर, कहना है कांग्रेसियों का कि ना हम डरे ना हम डरेंगे, और इसी तरीके से आगे अपनी बात को सामने रखते रहेंगे। आपके पास अभी और क्या जानकारी मिल रही है, किस तरीके से लोगों की भीड़ आज कांग्रेस मुख्यालय में लखनऊ में पहुंचेगी?
बिल्कुल शिवानी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने आज देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया था, उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। तमाम जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, चाहे वो पदाधिकारी हों चाहे वो बड़े नेता हों, उनको हाउस अरेस्ट देर रात ही कर दिया गया था। और कांग्रेस कार्यालय की बात की जाए तो वहाँ पर भी भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है। दरअसल शिवानी, आपको बताना चाहेंगे, इन दिनों कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार पर हमलावर होती नजर आ रही है, चाहे वो संसद के मानसून सत्र की बात की जाए, बेरोजगारी हो, और या तो तमाम ऐसे महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरती नजर आती है। और वहीं वो नेशनल हेराल्ड के चाहे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो, इसको लेकर भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के जो नेता थे, वो रोड पर नजर आए, धरना प्रदर्शन करते नजर आए। वहीं आज इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करने वाली थी, जिसको लेकर सरकार पूरी तरह से सतर्क है। धारा 144 लागू है राजधानी लखनऊ में, तो ऐसे में किसी भी तरह की प्रदर्शन की जो अनुमति है वो नहीं दी जाएगी। और इसको लेकर राजभवन की भी सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है, विधानसभा के बाहर भी भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है, कांग्रेस कार्यालय के बाहर भी पुलिस बल तैनात है। तो पूरी तरह से तमाम जो नेता हैं, जो पार्टी पदाधिकारी हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। फिलहाल जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। जी बिल्कुल, और देखिए सुरक्षा को ध्यान में रखा जा रहा है, यहाँ पर कई नेता हाउस अरेस्ट भी हैं। और मैं दिल्ली चलूंगी स्वाति के पास। स्वाति, संसद से लेकर राष्ट्रपति भवन तक मार्च की जो तैयारी आप कह रही हैं, उसको रोकने के लिए प्रशासन पुलिस वहां पर मुस्तैद तो है, लेकिन कांग्रेसी अगर उन्हें रोका जाता है तो आगे किस तरीके से कहां पर बैठकर वो प्रदर्शन करेंगे, इसको लेकर वो कुछ कह रहे हैं? देखिए, दिल्ली पुलिस ने जो इजाजत कांग्रेस को दिया है वो सिर्फ जंतर मंतर पर ही प्रदर्शन करने का दिया है। बाकी दिल्ली में धारा 144 लागू कर दिया गया है, जिससे अगर किसी भी जगह पर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें पुलिस हिरासत में ले लेगी, ये साफ तौर पर है। लेकिन दूसरी तरफ जो राष्ट्रपति भवन तक जाने की तैयारी है, वहां पुलिस की पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भी पुलिस की मौजूदगी है, यानी ये साफ है जो कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे, और इससे पहले जो हमने तस्वीरें विरोध प्रदर्शन की देखी है, तो तय है लगभग कि अगर संसद भवन से निकलकर कांग्रेस राष्ट्रपति भवन तक जाने की तैयारी सांसद करेंगे तो विजय चौक पर ही रोक दिया जाएगा, और संभव है कि विजय चौक पर ही कांग्रेस के नेता और सांसद विरोध प्रदर्शन करें। दूसरी तरफ अगर जो इजाजत दी गई है वो सिर्फ जंतर मंतर पर दी गई है, तो या तो कांग्रेस मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन होगा कांग्रेस मुख्यालय के अंदर, या फिर अगर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करना चाहेगी तो वो पुलिस के रोकने के बाद जंतर मंतर पर किया जा सकता है, क्योंकि इजाजत वहीं की दी गई है। लेकिन ये तय है कि कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सांसद तमाम वरिष्ठ नेता आज सड़कों पर दिखेंगे और विरोध प्रदर्शन जताया जाएगा। और लगातार जिस तरह से महंगाई का मुद्दा हो या बेरोजगारी का मुद्दा हो, कांग्रेस पार्टी संसद भवन में भी उठाती रही है, और उसका लगातार हम सब ने देखा है कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही जो है मानसून सत्र के दौरान स्थगित हुई है। आज भी जो है वही तस्वीरें देखने को मिलेगी लोकसभा से भी, राज्यसभा से भी। लेकिन जो इस वक्त सबकी नजर टिकी हुई है वो है राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, क्योंकि कार्यकर्ता भी सुनना चाहते हैं कि आखिरकार राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो सबकी नजर फिलहाल टिकी है, लेकिन कांग्रेस मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो गया है, लेकिन पुलिस जो है वो अंदर आने की इजाजत पुलिस की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। बिना आई कार्ड के परमिशन कांग्रेस मुख्यालय की तरफ नहीं है, यानी अकबर रोड जनपद तमाम जगह है जहां पर धारा 144 आज लागू कर दिया गया है। बिल्कुल, और देखिए यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखनी होगी स्वाति, क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी कहते हैं। असर मैं अब आपके पास आ रही हूँ। राहुल गांधी 9:30 बजे सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और उसके बाद देखना होगा किस तरीके से कांग्रेसियों के लिए उनका संदेश होता है। लेकिन फिलहाल अभी लखनऊ की सड़कों पर किस तरीके से कहां किन किन रूट्स पर कांग्रेसी जो नेता हैं जो वो प्रदर्शन करेंगे आज? देखिए शिवानी, आज जो प्रदर्शन का जो कार्यक्रम है वो इस तरह से है कि तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो गवर्नर हाउस पहुंचेंगे, वहां गवर्नर हाउस का घेराव करेंगे और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे तमाम मुद्दों को लेकर। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए भी ये ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से बीते चुनाव में कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा वो काफ़ी खासा अच्छा नहीं रहा, तो ऐसे में जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना, जिस तरीके से अभी संसद के मानसून सत्र में कांग्रेस पार्टी ने एक मजबूत विपक्ष के रूप में देखा गया, जिस तरीके से जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो और चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, और इसको लेकर जमकर निशाना साधा सरकार पे। ठीक है, अजहर आज देखना होगा कि कैसे और कांग्रेसी सड़कों पर उतरकर सरकार को घेरते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, स्वाति आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, अजहर आपका भी धन्यवाद।
और ये सीधे तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, आज जगह जगह कांग्रेसी जो है वो प्रदर्शन करेंगे। तस्वीरें देखिए सुबह से आना शुरू हो गई है, 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की होगी, लेकिन उससे पहले काफी लोगों की भीड़ जुट चुकी है। अब देखिए दिल्ली में जंतर मंतर में परमिशन दी गई है और वहां पर राष्ट्रपति भवन तक जाने की तैयारी कांग्रेस नेता सांसद कर रहे हैं। और सुरक्षा देखिए किस तरीके से मुस्तैद, आरएएफ की टीम, पुलिस के जवान देखिए यहां पर मुस्तैद हैं। जगह जगह राष्ट्रपति को सौंपेंगे मेमोरेंडम, ये कहा जा रहा है दिल्ली में यहां पर कांग्रेसी नेता, लेकिन वहां पर फिलहाल अभी जाने की परमिशन नहीं। दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है, पुलिस सुरक्षा को देखते हुए यहां पर जगह जगह मुस्तैद कर दी गई है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की परमिशन यहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से दिल्ली में दी गई है कांग्रेसियों को। और इसी के साथ लखनऊ में कई बड़े नेता हाउस अरेस्ट हो चुके हैं सड़कों पर, वो भी आज उतरेंगे। तो आज कई जगह से तस्वीरें ऐसी सामने आएंगी जहां पर कांग्रेसी जो है ईडी के खिलाफ और जिस तरीके से ईडी काम करी उसको जो लगातार लेकर आरोप लगाते रहे उनके शीर्ष नेतृत्व के लोग, उनके कांग्रेस के नेता, आज उस बात को लेकर वो सड़कों पर होंगे। और इसी के साथ साथ महंगाई को लेकर भी